थर्मल कन्डक्टिविटी एंड डिग्री डेज इन दोनों का कोई कनेक्शन है नहीं लेकिन मैंने दोनों को इस जगह इस वजह से लगाया कि ताकि कनेक्शन uh, हम बना सकें ये मतलब समझने के लिए सिर्फ और कुछ नहीं कोई ऐसा साइंटिफिक कोई नेचुरल कनेक्शन इसमें है नहीं तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या हुई कि ही किस मैकेज़म तो हमने देख ली है कन्वेक्शन और रेडिएशन तो लेकिन उसका एक्चुअली उसके पीछे फिजिक्स क्या है उसकी किस तरीके से वो होती है तो मैं आपको एक दो इक्वेशन दिखाऊंगा उसमें कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन नहीं है मैं हर चीज़ को समझा दूंगा कि उसमें क्या है इक्वेशन के अंदर तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी कि हीट कंडक्टिविटी क्या होती है तो ये इसको देख लेते हैं पहले हीट कंडक्टिविटी को अब हीट जो है वो ज जो जिसका जिस जगह का टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ से जिस जगह का टेम्परेचर कम है उस तरफ जाएगी ना यहाँ से इस फिगर के अंदर लेफ्ट से राइट पर जा रही है क्यू जो है क्यू हमेशा हीट के लिए इस्तेमाल किया जाता है बहुत पुरानी सिम्बल है उसका बहुत पुराना Uh, वो कहानी है वो ज़्यादा लंबी कहानी है उसको मैं अभी नहीं छेड़ूंगा तो वो क्यू जो है वो लेफ्ट से राइट right पे जा रही है और डी जो है डिस्टेंस है दोनों चीज़ों के बारे में एक का जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है और एक का जिसका टेम्परेचर कम है तो थर्मल कंडक्टिविटी डिफाइन करते हैं के से के जो है कैपा के तो नहीं होता कैपा होता है ग्रीप के अंदर तो कैपा से वो डिफ़ाइन करते हैं उसमें क्यू जो है वो हीट है जो लेफ़्ट से राइट right पे जा रही है डी जो है वो डिस्टेंस है जिसमें जो दोनों चीज़ों के दरमियान डिस्टेंस है और ए जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये जो बीच के अंदर आप देखें उसपे लिखा हुआ है एरिया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितने हिस्से से वो निकल के जा रही है कौन से वो इतना कितना एरिया है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और डेल्टा टी जो है वो डिफरेंस है टेम्परेचर का दो चीजों के दरमियान अब आप देखें जरा डेल्टा टी को देखें एरिया फिक्स है ठीक है नीचे जो डिनोमिनेटर में चीज है वो डेल्टा टी दो जगह का टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा कनेक्टिविटी बढ़ती जाएगी क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है ना उसके अंदर तो अब एरिया ऑफ सेक्शन डी पर क्यू जो है वो हीट के बराबर जैसे मैंने पहले बताया तो ये एक बड़ी सीधी साधी इक्वेशन है इसको आप आप, आप, आप का, हीट कैपेसिटी के बजाय आप हीट की क्यू की को भी क्वान्टिफाई कर सकते हैं आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करें और क्यू पता कर लें अगर क्यू को टी से डिवाइड करें तो रेट ऑफ हीट फ्लो रेट ऑफ हीट फ्लो भी निकल सकता है जो मैं आगे जाके एक मैं उसमें दिखाऊंगा लेकिन ये बेसिक इक्वेशन ये है इसको लेके आप ये सारी या तो के अगर के पता हो तो क्यू अगर क्यू पता हो तो के दोनों में से एक चीज़ों को एक आप पता कर सकते हैं बाकी चीज़ें तो फिक्स होती हैं उनको वो वेरिएबल नहीं है तो हीट लॉस बाय कंडक्शन या हीट गेन बाय कंडक्शन दोनों चीज़ों में से हो सकता है तो ये अब देखें अब ये हीट फ्लो की बात हो रही है रेट ऑफ हीट फ्लो तो क्यू को हमने टाइम रेट की जब भी बात करते हैं तो इसका मतलब क्वांटिटी को आप टाइम से डिवाइड करेंगे ठीक है तो क्यू ओवर टी वही इक्वेशन है कोई हमने उसमें फर्क नहीं किया क्यू ओवर टी जो है इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी जो है वो टी आई माइनस टी नॉट वो डेल्टा टी है डिवाइडेड बाय एल जो पहले डी था वो एल हो गया यहाँ पे आके मुख्तफ उसके इस्तेमाल के लिए चीजें एल जो है थिकनेस ऑफ द वॉल जितनी आपकी वॉल की थिकनेस है ना वो है और एरिया जो है वॉल का सरफेस का जो एरिया है वो है

आपकी कितनी हीट जाया हुई वो उसको डिग्री डेज कहते हैं वो उसके उसका अब वो डिग्री डेज जो है ना वो पता करता है कि कौन सी जगह बहुत ज़्यादा सर्द है कौन सी जगह बहुत ज़्यादा गर्म है उसके अलावा ये भी पता कर सकते हैं कि अगर मैं इस इलाके में रहता हूँ तो इस इलाके में आ, अगर मैं आ, में हीटर ख़रीदूँ या एयर कंडीशनर खरीदूँ तो कितना बड़ा होना चाहिए अब ये तो नहीं कि आप थर में जाके एक आ, होटल में ठहरें वहाँ पर एक छोटा सा एक एयर कंडीशनर लगा हुआ है तो वो तो कुछ नहीं कर सकेगा वो तो अपने लोकल हीटिंग के साथ थर में बहुत गर्मी पड़ती है गर्मियों के अंदर और ये मनी में जाके आपने एक छोटी सी एक हीटिंग फर्नेस बना ली उससे तो काम नहीं चलेगा तो टेम्परेचर के हिसाब से फिर वो अप्लायंस उसको ख़रीदना पड़ता है जो डिग्री डेज से अगर उसका पता है आपको कितना है डिग्री डेज तो वो उसके हिसाब से आप उसको कर सकते हैं मैं आगे जाके इसको एक ग्राफ के थ्रू बताऊंगा कि कैसे होता है तो डिग्री डेज होते क्या है एक आपने एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया यहाँ पे 65 फाइव डिग्रीज फारेन ये रेफरेंस है अब उससे ऊपर कितना टेम्परेचर है नीचे कितना टेम्परेचर है अगर आप कूलिंग डिग्री डेज की बात कर रहे हैं इसका मतलब ये कि आप जो बाहर का वेदर है वो गर्म है और उसमें से इसका मतलब आपने एयर कंडीशनर चलाना है एवरेज टेम्परेचर क्या है दिन का एवरेज टेम्परेचर जो मैक्सिमम टेम्परेचर है दिन के बीच में और जो मिनिमम टेम्परेचर रात के बीच में वो क्या है उनका एवरेज क्या है उन दोनों को जमा करके दो से डिवाइड कर लें तो उसका एवरेज निकल आएगा टी मैक्स प्लस टी एन डिवाइडेड बाई टू ये आपका एवरेज टेम्परेचर आ गया माइनस सिक्सटी फाइव डिग्रीज ये सिक्सटी फाइव डिग्रीज आपका रेफरेंस था तो वो जो भी नतीजा आया ना वो वो एक पॉइंट आपको मिल जाता है कि इस दिन का डिग्री डेज ये है ठीक है अब वो हर दिन के कैलकुलेट करें ये पूरे सीजन में पूरे गर्म सर्दियों के सीजन के अंदर वो उसको प्लॉट करें तो आपको एक बड़ा अच्छा प्लॉट मिल जाएगा जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसी तरीके से ये हीटिंग डिग्री डेज हीटिंग डिग्री डेज में वही रेफरेंस वही है सिक्सटी फाइव लेकिन अब सिक्सटी फाइव मे से माइनस करना है क्योंकि हीटिंग डिग्री डेज है ना तो सिक्सटी फाइव डेज जो है वो ज्यादा हो जाता है तो टी मैक्स प्लस टी एन जो ये अभी ये, ये, हीटिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है अब ये ये सर्दियाँ आ गई हैं अब इसमें से हमने हीट डालनी है घर के अंदर तो उसमें टी मैक्स वही एवरेज निकाल लें टी मैक्स प्लस टी एन डिवाइडेड बाई टू उसका एवरेज आ जाएगा उसको 65 में से निकाल दें पहले वाले में जो एवरेज आया तो उसमें से 65 निकाले थे अब इसको 65 में से निकालना है क्योंकि ये अब हमें से गर्मी दे रहे हैं सर्दियों का ज़माना है तो वो जो भी नंबर आ जाएगा वो आपका हीटिंग डिग्री डेज हो जाएगा अब ये अब पूरे जो मतलब अगर तीन महीने का सीज़न है तो वो पूरे तीन महीने के लिए काउंट करना पड़ेगा सौ दिन के लिए या जो भी जितना भी टाइम उसको काउंट करें फिर उसको जमा करें तो आपको ही डिग्री डेज दे देता है कितना डिग्री डेज है टोटल तो वो 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 अब उसका क्या इस्तेमाल है कैसे इस्तेमाल है अब ये आया आपका हीटिंग डिग्री डेज ये जैसे भी होते हैं ना ऐसे अब ये हर एक दिन का प्लॉट है ये पूरा देख लें आप कितना प्लॉट है सारे सारे दिन की तारीख दी हुई है और जितना भी इसका जो आ, टी मैक्स प्लस टी एन डिवाइडेड बाई टू माइनस सिक्सटी डिग्री वो वो कैलकुलेट करके उन्होंने हीटिंग में लगाया है और कूलिंग के लिए 65 में से निकाला है इसको और वो इसी तरीके से राइट हैंड साइड पे जो ब्लू प्लॉट है वो कूलिंग डिग्री डेज प्लॉट है अब ये दोनों देख के बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि जी यहाँ पे तो गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे तो सर्दी बहुत ज़्यादा है या मॉडरेट क्लाइमेट है या क्लाइमेट चेंज हो रहा है या आपको जो एयर कंडीशनर लेना है वो कितना बड़ा होना चाहिए या आपको जो हीटर लेना होता है वो कितना बड़ा होना चाहिए वो सारी चीज़ें इससे तफसील से निकल आती हैं अब ये एक दो चीज़ें मैंने ऐसी दिखा दी थी पाकिस्तान के लिए मैं आप इस्लामाबाद का सिर्फ मुझे नंबर मिला है वह मैं आपको दिखाऊंगा आगे जाके तो यहाँ पे एक जो जो है हीटिंग डिग्री डेज के अंदर राइट हैंड साइड पे जो पिंक में प्लॉट है ना वो ऐसी जगह का है जहाँ पे बहुत सर्दी पड़ती है बर्फ बर्फ बहुत पड़ती है चाइना के अंदर तो उसके नंबर देख लें कितने आग, भारी नंबर है ना और लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो है एक जगह जहाँ मैं ख़ुद पढ़ाता हूँ वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक मरत साल में जाके का नाम है चेंगडू यूनिवर्सिटी वो बिल्कुल मॉडरेट बल्कि मॉडरेट नहीं बल्कि गर्मियों में काफ़ी गर्म हो जाता है तो उसके नंबर देखें कितने कम है तो राइट हैंड साइड का मतलब है कि उसको ये हीटिंग डिग्री डेज की बात कर रहा हूँ इससे कितनी हीटिंग करनी पड़ेगी हीटर uh, लगा के तो राइट हैंड साइड वाले पिंक वाले के अंदर बहुत ज़्यादा हीटिंग करनी पड़ती है जो लेफ्ट वाला है उसमें हीटिंग कम करनी पड़ती है उसके क्लाइमेट जो है वो पहले ही वार्म है काफ़ी तो इससे फर्क पड़ जाता है ये ये uh, इस्लामाबाद का है डिग्री डेज इन इस्लामाबाद अब ये कर्व जो है पूरा आप अब, अब जैसे सेवन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड एट जो आपने दिखाया है ना राइट ऊपर टाइप पे जो लिखा हुआ है ये सारा एडेड हुआ है वो डिग्री डेज ऐड करके वो पूरा उन्होंने नंबर दे दिया तो इससे पता चल जाता है कि रेलेटिवली इलाका जो है गर्म है या सरद है या जो कुछ भी है फिर तो जो कुछ आपको करना है आप कहीं से आ रहे हैं मसलन कोई आप फॉरेनर हैं आपने इस्लामाबाद आना है तो आप वो हीटिंग डिग्री देख के कहेंगे अच्छा ये तो काफ़ी सर्दी है इस ज़माने में तो फिर आप उस हिसाब से अपने कपड़े चेंज करें मैं एक बड़ी छोटी सी मिसाल बता रहा हूँ ज़्यादातर ये टेक्निकली अपंसेज वगैरह के खरीद खरीदो फरोख्त में इसमें काम आता है तो ये एक और ये इन, फ्लोरिडा फ्लोरिडा का आपको आप अगर मैप देखें फ्लोरिडा बिल्कुल साउथ में अमेरिका में वो हमेशा टेम्परेचर जो है वही बड़े मॉडरेट सा सेवेंटी सेवेंटी टू एटी इसी तरह का टेम्परेचर रहता है फेर और बहुत कम चेंज होता है तो आप उसका देखें नंबर्स देखें डिग्री डेज के बहुत कम है हीटिंग लें कूलिंग लें दोनों के बहुत कम ना उनमें हीटिंग की जरूरत है ना उन्हें कूलिंग की जरूरत है बस पंखा चलाया और सो गया से कोई मसला नहीं अगर आप अलास्का में जाएंगे ना अलास्का में हमेशा सर्दी होती है मुस्तकिल बर्फ जमी रहती है उसके नंबर देखें हीटिंग एंड डिग्री डेज तो कितने बड़े बड़े नंबर हैं उसके और सारे सारे महीनों में ये नहीं कि दिसंबर वगैरह में जाके तो बहुत ही ज़्यादा दस हज़ार बाईस बन जाते हैं ना जून के अंदर दो हज़ार तो ये भी बहुत बड़े बड़े नंबर हैं आप उसको कंपेयर अगर करें फ्लोरिडा से तो फर्क साफ ज़ाहिर है कि किस में कौन सा सर्द इलाका है कौन सा गर्म इलाका है अब ये उससे उसका काम ये होता है वो सारे डिग्री डेज़ का आप करें नीचे लिखा हुआ है डिग्री डेज और वो राइट हैंड साइड पे उस एनुअल फ्यूल इनपुट कितना फ्यूल उसके अंदर लगेगा तो ये सब जगह के प्लॉट हैं मुख्तलिफ जगह के राइट हैंड साइड के ऊपर आपने देखें क्या क्या, क्या प्लॉट है उसको देख के आप आप जहाँ पे जाना हो ना आपको वो पता चल जाता है कि आपका आपका हीट कंजम्पशन कितना होगा कितना आपको ज़रूरत होगी एनर्जी की तो फिर उस हिसाब से फिर अपने अप्लायंस का बंदोबस्त कर सकते हैं कि आपको अगर जैसे मैंने बताया कि आप यू नो हज़ार वाट का अगर आप एयर कंडीशनर लें और उसको आप लगा दें मरी के अंदर तो उसका कोई सेंस नहीं बनता ना मरी में एक सर्दी कहाँ गर्मी कहाँ से होती है तो इतना बड़ा एयर कंडीशनर लेने की क्या ज़रूरत है तो आप अकल से भी समझ के कामन सेंस एक से भी आ, आसान है लेकिन अगर इस किस्म के प्लाट को देख के आपको पता चल जाए एग्जैक्टली कि कितना बड़ा होना चाहिए आपके पास रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर तो वो उस हिसाब से आपकी आप अपनी ख़रीद करें या किसी गर्मी गर्म इलाके में चले जाएं आपने बड़ा सा हीटर ले लिया तो उसका तो कोई बिल्कुल मजह का कन कन चीज़ हो जाती है आप कराची में एक बहुत बड़ा सा हीटिंग प्लांट लगा दें अपने घर के अंदर तो उसका कोई मकसद ही नहीं रहेगा वेस्ट हो जाएगी एनर्जी तो इन चीज़ों को सम लेने के बाद आ, देखने के बाद ये समझ में आ जाता है कि कोई चीज़ कितनी हीटिंग या कूलिंग के लिए रिलेटिव टू द प्लेस यू आर उसके हिसाब से आप उसको समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये कितना छोटा अप्लायंस लेनी चाहिए